सब वसूल एकदम फुल ऑन मजे में, पूरा काठमांडू व्यू दिख रहा है गाइस यहां से। रेनबो और रेनबो बे यार, आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। और भाई लैंड करा दे भाई, आओ आओ किचन और पूरा व्यू देखो। बहुत मजा आया गाइस, बहुत मजा। मतलब ऐसा जगह काठमांडू में मैंने पहली बार देखा। बारिश होने लगी यार, बारिश हो रही है, मतलब बहुत मजा आ रहा है यार। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, दिस इज नवनीत साहब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएस व्लॉग्स। सो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए चंद्रागिरी हिल्स। अभी मेरा जो कैब है वो आने ही वाला है, मैंने उसको पूरा प्राइवेट हम लोग बुक किए, एंड अभी चलते हैं गाइस चंद्रागिरी हिल्स और वहां पे करेंगे केबल कार की जर्नी। तो ब्लॉग में बने रहिए एंड तक, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको वहां की लेटेस्ट फोटोज मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे। चलिए चलते हैं बाहर, और अभी हम लोग जा रहे हैं चंद्रागिरी हिल्स। चलिए, और अभी हमारी गाड़ी यहाँ पे है। ये कितने बजे तक खुला रहता है चंद्रागिरी? 6 बजे शाम को। शंभूनाथ वहाँ तो मैं गया हूँ 2 बार, पहले भी आया था। हाँ तो ये है दोस्तों शंभूनाथ टेंपल। तो गाइस अभी अनफॉर्चुनेटली बारिश होने लगी है काठमांडू में बहुत तेज। अब देखते हैं कि वहां पर जा पाते हैं या नहीं, मुश्किल है थोड़ा अभी जाना। उधर चंद्रगिरी में जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा बारिश की वजह से, तो अभी देखते हैं क्या होता है। ये देखो बहुत तेज बारिश हो रही है इधर। अच्छा तो बहुत तेज बारिश हो रही है अभी गाइस, बहुत ज्यादा तेज हो रही है, और गाड़ी चलाना भी अभी मुश्किल हो रहा है। लेकिन कैसे भी करके अभी जा रहे हैं, देखते हैं जा पाते हैं या फिर नहीं। वहाँ पे कम ही चांस लग रहा है उधर जाने का, क्योंकि मौसम बहुत खराब है। बारिश तो हो रही थी लेकिन अभी अचानक मौसम का रुख बदला और हम लोग फाइनली पहुंच गए चंद्रागिरी हिल्स। पहुंच चुके हैं चंद्रागिरी हिल्स के पास, और यहां से अभी टिकट लेना है हमको, उसके बाद इधर से जाएंगे अभी ऊपर केवल कार की जर्नी करने। यहां से पूरा सिटी दिखता है गाइस, इधर देखो बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, और टिकट काउंटर उधर है तो, और केवल कार है पीछे यहाँ पर टिकट काउंटर। इधर ये है टिकट काउंटर इधर। सो ये रहा टिकट, देख सकते हैं 2 आदमी का मैंने लिया है, और ये है इंस्ट्रक्शन इसमें कुछ। चलो सो गाइस, यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो सार्क कंट्री यानी कि इंडिया नेपाल तो यही है, मतलब इंडिया भूटान बांग्लादेश और भी जो सार्क में जो भी है ना देश, उसका है 700 रुपीज़ आना जाना दोनों उसमें है, और नेपाली का लगभग उससे कम है। तो यही है यहाँ का प्राइस। ये अभी जर्नी में निकलते हैं केवल कार की। हेलो, एंटर कर चुके हैं। आर यू एक्साइटेड राजन? यस यस, फर्स्ट टाइम तुम्हारा है ना? हाँ। और मैं दूसरा बार चल रहा हूँ, इससे पहले मैं चल रहा था मनकामना में। फाइनली हम दोनों आदमी भी पहुँच चुके हैं यहाँ पे केवल कार के अंदर, और ये मेरा दूसरा टाइम है, इससे पहले मैं मनकामना में गया था
तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये मेरा सेकेंड टाइम है यहाँ से जाने का, और ये एक्चुअली काठमांडू में ही पड़ता है, तो यहाँ से पूरा काठमांडू का व्यू दिखेगा। तो हम दोनों आदमी सिर्फ जा रहे हैं यहाँ से, बहुत ही अमेजिंग पूरा ये केबिन हमारा है। वैसे तो सीट इसमें चार आदमी का होगा। अरे भाई बहुत मजा आ रहा है। तो ये देखो गाइस पूरा काठमांडू दिख रहा है यहाँ से, और नीचे केवल का। मुझे तो यार थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है, मतलब बहुत मजा आ रहा है यार। ऊंचाई से डर नहीं लगता, इसको डर लगता है। ये देखो गाइस ऊपर जाना है अभी ऊपर, ये देखो उधर से आ रहा है। अबे ऊपर देख, सब वसूल एकदम फुल ऑन मजे में, पूरा काठमांडू व्यू दिख रहा है गाइस यहाँ से। रेनबो और रेनबो, अबे यार रेनबो दिख रहा है यार, धूप भी निकला हुआ है। हेलो हेलो हेलो, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर बादल दिख रहा है पूरा। ये मुझे अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस लगा काठमांडू में, लेकिन इसका हालत खराब हो चुका है पूरी तरीके से। अभी इसको लग रहा है कि कहाँ आएगा, और बारिश भी हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा एकदम एक्साइटेड और एडवेंचरस टूर हो गया। क्या राजन क्या कहना चाहता है, हाउ आर यू फीलिंग? ये देखो दोस्तों मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आ ऊंचाई के बराबर हम लोग आ चुके हैं। पैसा वसूल गाइस पैसा, इसका हालत पूरा खराब है। ये देखो पूरा व्यू देखो यार, अबे बादल नीचे राजन। स्टेशन पे हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी कुछ ही देर में। कौन सा रोड है ये देखिए गाइस, यहाँ पे सड़क भी है, ये सड़क है, और ये नीचे बादल देख सकते हो पूरा। डर नहीं लगेगा, आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। और भाई लैंड करा दे भाई। ये देखिए दोस्तों फाइनली हम लोग स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं। चंद्रगिरी माउंटेन के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहां से कहा जा रहा है कि पूरा व्यू दिखता है। अभी हमें तो नहीं दिख रहा है भाई, देखते हैं। चारों तरफ में क्लाउड्स घिरा हुआ है, तो इसलिए कोई रेंज वगैरह तो नहीं दिखेगा। और ये है इसका स्टेशन केवल कार का सामने, यहीं पे हम लोग टेक ऑफ लैंड किए हैं। टेक ऑफ नीचे से टेक ऑफ हुआ है और ऊपर में लैंड हुआ है, तो यही जगह है। बहुत ही सही जगह लग रहा है वैसे, काफ़ी मज़ेदार प्लेस है गाइस। और यहाँ पे ठंड भी है हल्की फुल्की, जैसा कि नीचे के मुकाबले ऊपर ठंड है, क्योंकि ये ऊँचाई पर बसा हुआ है, और इधर में जो पहाड़ का जो डायरेक्ट एयर होता है ना हवा, वो आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। नीचे के मुकाबले इधर ठंड है और कोहरा है, चारों तरफ बादल है, तो बहुत मज़ा आ रहा है वैसे। अभी थोड़ा बहुत इधर एक्सप्लोर करते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं करा है तो फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं आप रील्स भी बनाऊंगा और फोटोज़ भी क्लिक होंगी, तो वो सब भी आप देखेंगे। तो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर देखते हैं क्या है। ठंड लग रहा है यार इधर ना, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, मतलब अचानक मौसम चेंज हो गया ऐसा लग रहा है। लग रहा है गर्मी से सीधा ठंडे में आ रहा है। सऊदी अरब के ही भाई, तो अभी थोड़ा चढ़ाई है, ट्रैकिंग है यहाँ से और ऊपर है, और यहाँ पर एक रेनबो भी दिख रहा है मुझे नीचे में। उधर काठमांडू शहर में धूप निकला हुआ है और यहाँ पे बादल गिरा हुआ है। यही एक मुझे जगह अच्छा लगा क्या ऑलमोस्ट काठमांडू में, बाकी सबके मुकाबले शर्ट पहनना पड़ेगा यार, पहन ही लेता हूँ, थोड़ा बहुत ठंडा लग रहा है। अरे यहाँ गाड़ी कैसा है यार, गाड़ी भी हाँ
चराई में यही प्रॉब्लम है, सांस ही फूल जाता है। लग रहा है दिसंबर या जनवरी का महीना है ऊपर ना। नीचे में देखो यार, धूप निकला हुआ है वहाँ पर, बिल्डिंग सब तो इतना इतना लग रहा है। चलो ये इसका टॉप पॉइंट है। इधर में कैफे एरिया भी है वैसे, अगर खाना पीना कुछ खाना हो तो इधर में मिल जाएगा आपको चारों साइड। तो यहाँ से ऊपर से व्यू पॉइंट भी दिखता है, जो कि बाइनाक्यूलर लगा के आप देख सकते हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अभी बंद पड़ा हुआ है। पर फोटो वोटो क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आ रहा है हैंडल इंस्टाग्राम का, फॉलो कर लो फटाफट, नवनीत सर 21। मंदिर भी है यहाँ पर, और ये देखो व्यू। ओवरऑल हमने यहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लोर किया, बहुत ही अच्छा जगह है ये। थोड़ा नीचे में एक्टिविटीज़ वगैरह देखने जा रहे हैं, तो फोटोज़ बहुत धांसु क्लिक हुई है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो नवनीसा 21। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ करने का है। 700 रुपया तो लिया है आने जाने का, लेकिन चंद्रागिरी बहुत बढ़िया जगह है काठमांडू से। अब यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो शूट होगा, आई लव चंद्रागिरी करके है। अभी यहाँ पे तो रेनबो दिख रहा है भाई, ऊपर आके देख रहे। ऊपर बंद है क्या? क्या जिपलाइन है? जिपलाइन है। पूरा व्यू देखो। जिपलाइन बोले तो हाईएस्ट जिपलाइन इन काठमांडू। तो कुछ एडवेंचरस करना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो भाई हालत ख़राब हो चुका है ठंड से, लिटरली यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड बढ़ गया है ना कि पूछो मत। बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे बढ़ चुका है, और बादल भी घिर चुका है चारों तरफ, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। हमने तो टी शर्ट के साथ एक शर्ट पहना था इसलिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर ठंड है गाइस। तो थोड़ा आप अगर विंटर के टाइम में आओगे तब तो आपको हेवी कपड़ा लेके आना पड़ेगा, गर्मी के टाइम में भी आओगे ना तब भी यहाँ पर आपको ठंड लगेगा ही यार। स्टेशन पे हम लोग पहुँच चुके हैं केवल कार के, और यहाँ भी फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। देख सकते हैं इधर तो ये जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। उतना व्यू नहीं दिखा क्योंकि बादल था, लेकिन मज़ा बहुत आया इस जगह पे वैसे। और ये देखो यहाँ पे पूरा खाई चारों तरफ, और रेनबो यहाँ पे अभी भी दिख रहा है। देखो ये बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत मज़ा, मतलब ऐसा जगह काठमांडू में मैंने पहली बार देखा भाई। लेकिन बस थोड़ी ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है आपको यहाँ पे अभी सितंबर का ही महीना चल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे जनवरी फरवरी का फील आता है। तो ये देख सकते हैं पूरा चारों तरफ सीन्स, बहुत सही जगह है। अब कुछ देर में सनसेट होने ही वाला है। सो गाइस, इसी खूबसूरत वादियों से इस व्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, और आई होप आपको ये व्लॉग देखने में बहुत मजा आया होगा। तो इस व्लॉग को यहीं पेंट करते हैं गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, लव यू गाइस, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।